हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा सुपरवाइजर तथा डॉटमैन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इस सिलेबस के ऑफिशियल PDF को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स 2020 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनका मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा और उस इंटरव्यू का फीडबैक दिया जाएगा। इस इंटरव्यू पैनल में एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तथा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। तो एग्ज़ाम आपका जो है रिटेन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इस तरह क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्जाम जो है आपका OMR सीट पे होगा और इस एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो इसमें आपसे एनालॉजीज तथा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजुअलाइजेशन तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट तथा अर्थमेटिकल रीजनिंग और वर्बल एनालिसिस तथा फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन तथा डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, LCM और HCF से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन तथा परसेंटेज और एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क तथा रेशियो एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेबल और ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे जनरल इंग्लिश में ग्रामर पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज और उसके करेक्ट यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर तथा सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इसके करेक्ट यूज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इसमें आपसे डेली जीवन में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा खेल तथा हिस्ट्री और सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी और इकोनॉमिक सीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी जिसमें आपसे संविधान के बारे में भी पूछा जाएगा और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं डॉट्समैन और सुपरवाइजर के सिलेबस की। इसके सिलेबस का ऑफिशियल PDF आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।